दोस्तों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नवरात्र में पारण और कलश विसर्जन कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि में पारण कब करें, हवन पहले करें या कन्या पूजन करें, इन सारी बातों की जानकारी हम प्रश्नों के माध्यम से पहले समझते हैं। दोस्तों लोगों का कहना है कि पारण अष्टमी को करें या नवमी को करें, या कन्या पूजन पहले करें या हवन पहले करें। तो जो लोग नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करते हैं वो लोग नवमी तिथि और कन्या पूजन करके पारण कर लेते हैं, और कुछ लोग 10वीं तिथि को भी पारण करते हैं। पर जो लोग 9 दिन का नवरात्र नहीं रह सकते वो लोग पहले दिन और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं और नवमी तिथि को पारण करते हैं। पारण करने से पहले हवन पूजन करके और उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात पारण करना चाहिए। लेकिन पारण करने से पहले विसर्जन जरूर कर ले, और विसर्जन हमेशा याद रखिए कि आप 10वीं तिथि को ही करें। वैसे तो हम माता के 9 स्वरूपों का पूजा करते हैं ना, तो इसलिए हमें 10वीं तिथि को करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि मैं कैसे कलश विसर्जित करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले श्रीफल के ऊपर जो पुष्प रखे हैं उसको इन उंगलियों से उठाते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं। मस्तक पर लगाते हुए कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट धरती पर नहीं रखना, उसको थाली में रखिए और फिर हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करिए। कलश देव में जो भी विराजमान है उनसे प्रार्थना करिए, हे कलश देवता, वेद के अनुसार वर्णित कलश में विराजमान देवता व पवित्र नदियाँ आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। जिस कार्य की सिद्धि के लिए मैंने आपको बुलाया था उसे आप पूर्ण करें। मेरे घर परिवार में सुख शांति प्रदान करें, और पुनः जब मैं आपका आवाहन करूं तो मेरे आग्रह पर आप सभी लोग मेरे पूजा में स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार कलश को आप हिला दें और सारे चीज़ों को आप हटा सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जो ये नारियल है उसको फोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, और कुछ लोगों की मान्यता है कि इसे प्रसाद स्वरूप में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आपके घर जैसी मान्यता हो, जैसा आपको सही लगे वैसा करें। इस चावल को आप पंडित को दान कर दें या चिड़ियों को दे दें। आम के पल्लों को आप विसर्जित करेंगे और इस जल को आप अपने घर में थोड़ा सा आम के पल्लों से छिड़काव करेंगे। टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इसका छिड़काव करेंगे। कलश के ये जो सारे फूल हैं या पूजा में जो भी पुष्प पुष्प रखे गए थे उन सारे चीज़ों को आप क्या करेंगे, किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देंगे। अगर जो नहीं विसर्जित करने का जगह है तो आप किसी गमले के में रखकर मिट्टी से दबा दें। किसी पेड़ पौधे या ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर पैर लगे, और इन जवों को आप थोड़ा सा हिला दें। बहुत से लोग इन जवों को काट कर अपने घर में रख लेते हैं, गाय को खिला देते हैं, लेकिन मैं दोस्तों इसको विसर्जित करूंगी ऐसे ही। मिट्टी का अगर जो आप कलश ले रहे हैं, कलश मिट्टी की कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसे दोबारा प्रयोग ना करें, उसे विसर्जित। माता जी से निवेदन करूँगी कि मेरे पूजा में गणेश जी और माता लक्ष्मी को छोड़कर सभी माता जिस जिस रूप में आप मेरे पूजा में विराजमान थी उस रूप में आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, और पुनः मेरे आग्रह पर, मेरी विनती पर आप
मेरे घर प्रस्थान करें और मुझे आशीर्वाद दें, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखें। इस प्रकार हम माता से विनती करते हुए उनको प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा आदिशक्ति, अज्ञानता के कारण, ज्ञानहीनता के कारण या किसी भी कारण जो कुछ भी भूल हुई हो उसे आप अपना बालक समझकर क्षमा करें। इसके लिए एक संस्कृत का श्लोक है जिसे मैं पढ़ती हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यत्र पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी, मुझसे जो कोई भी अज्ञानतावश गलती हुई होगी उसे आप बालक समझकर क्षमा करिएगा और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करिएगा। और ये जो गौरी गणेश रखा हुआ है इसका भी हम विसर्जन करेंगे, तो इसको भी हम अपनी थाली में रख लेंगे। दीपक अभी जल रहा है तो ये जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक इसे जलने देंगे। बस इसका स्थान हम थोड़ा सा बदल देंगे। कलश की चौकी को भी आप थोड़ा सा हिला दीजिए। आपने माता जी की आपने तस्वीर रखी है तो उसे आप जल का छिड़काव करके अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। मिट्टी की रखी है आप उसे विसर्जित कर दें। इस प्रकार दोस्तों आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली है। दोस्तों आप इसे दशमी तिथि को विसर्जित कर सकते हैं अगर आपके पास जब समय मिले। आपने इस तरह से हिला दिया है तो समझिए आपका विसर्जन हो गया है। बस अब आपको जब समय मिले तो आप इसे नदी में ले जाकर विसर्जित करके कलश में जो आपने सिक्के हल्दी लौंग इलायची डाल रखे थे उसको आप निकालेंगे। हल्दी सुपारी लौंग इलायची इन सभी चीज़ों को आप विसर्जित कर देंगे। सिक्के को कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है या लोगों का कहना है कि इसको आप अपनी साफ करके जहाँ पैसे रुपए रखते हों वहाँ आप रख सकते हैं। कलश के जल को बच गया है उसको आप किसी साफ गमले में या तुलसी जी के पौधे में डाल सकते हैं। हाँ, ये जो कलश में लगे रक्षा सूत्र को आप विसर्जित करना चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथ घर परिवार में जितने भी सदस्य हों उन्हें आप अपने हाथों पर बांध सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।